हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, AELP टेक्नीशियन वालों को भी और ग्रुप टी RPF SSC GD वालों को भी, ठीक है। और जो दोस्त अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, और अपने दोस्तों से भी जरूर सब्सक्राइब कराइएगा। रीजनिंग का टाइमिंग है 2 से 3, मैथ का 9 से 10 और GK का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की। अगर आपको वीडियोस देखनी है अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए आकृति वाला क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के नमूने को पूरा करेगी। तो इसको करने का वैसे मैं बहुत बार आपको पहले भी तरीका बता चुका हूँ, यहाँ पे कौन सी आकृति सेट होगी वो आपको चेक करना है, और आपके पास ये 4 हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर वाली आकृति नहीं ढूंढनी है, यानी कि आपको जो यहाँ पे लगेगी वो आपको नहीं ढूंढनी है, आपको ढूंढना क्या है, जो यहाँ पे नहीं लगेगी। कई बार क्या होता है, बहुत ही माइनर से डिफरेंस होता है और उसमें आप शायद मतलब उसको उन दोनों में डिफरेंस करने में थोड़ी सी भी अगर चूक कर गए तो आंसर आप गलत भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो वाली हटा देना है, वो ऑप्शन हटा देना है जो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा इमेज बनाएं इसकी, हल्का सा बस अपने माइंड में बनाएं, तो ये है और ये है, ठीक है, और एक इस तरीके से है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, वो पूरा ही हट गया, ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होगा, देखिए ये वाली यहाँ पे ये खाली है, ये टिक है, तो यहाँ पे खाली होगा, यहाँ पे टिक होगा। बस आपको इतना देखना है कि टिक कहाँ पे होना चाहिए, नीचे वाले बॉक्स में होना चाहिए, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये रोंग है, बिकॉज इसकी तो डायरेक्शन ही गलत लगी है, तो ये हट जाएगा। अब इसमें देखें ये ऊपर है, तो यहाँ पे अगर हम इसको रखेंगे तो ऊपर नहीं आएगा, ये भी हट जाएगा। फिर इसकी भी डायरेक्शन आपकी रोंग है, अब इसको देखें तो ये राइट हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल सीधा सीधा। तो राइट जो आंसर होगा वो खुद ही निकल के आएगा, आपको उसको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो आकृति बिल्कुल नहीं हो सकती है तो उसको हटा देना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति से प्रश्न आकृति की पूरी होगी। तो आपके पास पहले तो प्रश्न आकृति को देख लीजिए, पूरी स्क्रीन पे सेट नहीं हो रही है सब कुछ, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास ये हैं। तो यहाँ पे भी हम बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, सबसे पहले हल्का सा एक डायग्राम अपने माइंड में बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ये तो थोड़ा इस तरीके से अगर डायग्राम बनाएंगे तो ये हो गया, ठीक है, और इसमें एक ये टिक लगा लेंगे। अब आप क्या नोट कर रहे हैं, ये दोनों खाली है और नीचे वाले में यहाँ पे जो ये बिंदु है तो ये यहाँ पे है, ठीक है, और ये वाले मतलब ये दोनों बॉक्स खाली है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाला बॉक्स खाली है, ये वाला बॉक्स खाली है, तो यहाँ पे ये वाला बॉक्स खाली रखना है और ये वाले बॉक्स में कुछ होगा, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट होने चाहिए, ये इस बॉक्स में 4 पॉइंट होने चाहिए। तो आप देख लीजिए, अब अगर पहले वाले में देखें हट जाएगा, 1 ही पॉइंट है, ये भी हट जाएगा, कोई पॉइंट ही नहीं है, ये वाला है और इसमें है 4। अब यहाँ पे देखिए, ये ऊपर वाले बॉक्स में 4 है और इसमें नीचे वाले में 4 है, तो कौन सा राइट होगा, ऑब्वियसली बात है कि डी राइट होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बट जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चंस के ऑप्शंस हटाते हुए करेंगे तो 100% आंसर सही आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट आंसर पर ही जाएंगे तो कई बार क्या होता है कि आंसर और एक दूसरा उसका उस जैसे ही एक और इमेज आपको बिल्कुल डिट्टो मिल जाएगी, उसमें थोड़ा सा अंतर होगा, तो उस टाइम पे आप शायद गलत लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, मतलब ये वाला नहीं, बट इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले, ठीक है, और कथन और निष्कर्ष वाले, ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं। मैं इसमें छोटी छोटी 2-3 पॉइंट बताऊंगा, उनको ध्यान रखेंगे तो आप शायद आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे बोला गया, कथन क्या है, महानगरों में प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखते हुए महानगरों में टेम्पो के स्थान पर बैटरी युक्त बसों को चलाया गया। तो इस स्टेटमेंट से आपको क्या नज़र आता है, सबसे पहले ये थोड़ा दिमाग में सोचिए कि क्या नज़र आता है, क्या आप इससे समझे, ठीक है। महानगरों में प्रदूषण ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है, इसकी वजह से उन्होंने टेम्पो को बंद करवा के वहाँ पर बैटरी से चलने वाली बसें चलाई गई, ठीक है। तो इससे पूर्व धारणाएं क्या क्या है, इससे हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी राइट और कौन सी रोंग है।
सबसे पहले बैटरी युक्त बसें चलने से महानगरों में प्रदूषण समाप्त हो जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ मतलब प्रदूषण ही समाप्त हो जाएगा अगर बैटरी युक्त बसें चलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये वाली तो रोंग हो जाएगी। आपको यहाँ पे क्या देखना है, जितनी स्टेटमेंट आपको जितना कथन दिया जाए उसकी लिमिटेशन में रहते ही आपको पूर्व धारणाएं अपना निर्धारित करनी है, उसको लगाना है, ठीक है, राइट और रोंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि महानगरों में टेम्पो के स्थान पर बैटरी युक्त बसें चलाई गई महानगरों में प्रदूषण गंभीर समस्या को लेकर के, ठीक है। तो इससे कम अगर यहाँ पे बोला जाता ना कि बैटरी युक्त बसों चलने से महानगरों में प्रदूषण कम हो जाएगा तो ये राइट हो जाता, बट समाप्त हो जाएगा ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ टेम्पो ही आपके पूरा प्रदूषण कर रहे हो, ठीक है। तो आप इतनी चीज आप भी समझ सकते हैं, ये आपके दिमाग पे निर्भर करता है कि आप सोच कितना पाते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, महानगरों में प्रदूषण का कारण टेम्पो ही है, तो ये ही है जो आ गया ये गलत हो गया यहाँ पे, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो ऐसा हो सकता है किसी भी महानगर में केवल टेम्पो ही प्रदूषण करे, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों ही रोंग हो जाएंगे, और आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, सॉरी उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है ना कि केवल टेम्पो तो यहाँ पे प्रदूषण नहीं कर रहे हैं, अगर किसी भी महानगर में देखा जाए तो टेम्पो नहीं होगा, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो फैक्ट्री होगी, बसें होंगी, बाइक होंगी, कार होगी, केवल टेम्पो तो आपका ऐसा नहीं है कि वही प्रदूषण करेगा और उसके रोकने से ही प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे बोले जाते कि कम हो जाएगा तो वो आप मान सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, एक और देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन, थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी। अच्छी पुस्तक भले ही महंगी हो बिकती है, इससे आप क्या समझे, मतलब कि जो पुस्तकें अच्छी होती हैं वो भले ही महंगी हो बट बिकती जरूर है वो। तो पूर्व धारणा यहाँ पे क्या क्या बोली गई है, कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी हैं, तो ये हो सकता है कि कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी हैं, तो अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हो बिकती है, तो यहाँ से ये वाली स्टेटमेंट आपकी निकल सकती है, ठीक है। अधिकांश पुस्तकें महंगी है तो ये चीज़ हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में ये कहीं पे भी क्लियर नहीं है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि अधिकांश पुस्तकें महंगी है, तो हम इस चीज़ को नहीं बोल सकते, ठीक है। आपको वो चीज़ देखनी है जो आपकी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करती है, कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी हैं तो हो सकती है भाई, कुछ बोला गया ना, अगर यहाँ पे बोलते कि सारी पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से, मतलब कुछ अजीब सा अगर सेंटेंस बोला जाता वो रॉन्ग हो जाता, बट यहाँ पे क्लियर बोला गया कि कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी हैं, और यहाँ पे अगर देखा जाए अच्छी पुस्तकें भले ही महंगी हो बिकती जरूर है, तो वो अच्छी पुस्तकें कुछ पुस्तकों में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें समझ पा रहे होंगे, अपना दिमाग का जरूर यूज करिएगा सोचने में, ठीक है। जब भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कथन पढ़ेंगे, सोचने पे मतलब थोड़ा फोकस करिएगा कि ये स्टेटमेंट बोलना क्या चाह रहा है, और उस स्टेटमेंट को पॉजिटिव अगर बोला गया है, कुछ भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रखिएगा, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव दे रखा है तो एकदम कट कर दीजिएगा, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए एक ये क्वेश्चन आपका आया था, मतलब ये वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं कि सभी ताले वाला, सभी स्क्रू वाला नहीं, एक सभी वाला, ठीक है, जिसमें सभी लग रहा, सभी वर्ड यूज किया गया था कि सभी कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने चाबियाँ ली हैं, सभी चाबियाँ ताले हैं और सभी ताले स्क्रू हैं, तो इस तरीके का एक सभी वाला क्वेश्चन था, उसको मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है, बहुत ही आसान तरीके से। तो सभी में तो आप इजिली डायग्राम बना लेंगे, वेन डायग्राम, सभी चाबियाँ ताले हैं, ठीक है, और सभी तालियाँ स्क्रू हैं, तो सभी चाबी ताले हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर सभी की सभी चाबी बोली गई ना, तो चाबी का जो गोला है वो ताले के अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि सभी की सभी चाबियां ताले हैं, और फिर बोला गया सभी के सभी ताले स्क्रू हैं, तो ये स्क्रू वाला ताले के ऊपर को आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पे सम वाली यानी कि कुछ वाली कंडीशन आती है कि तीनों में किसी के भी साथ में, यानी कि कुछ ताले चाबी हैं या कुछ चाबी ताले हैं या कुछ स्क्रू ताले हैं या कुछ स्क्रू चाबियाँ हैं, वो सब राइट हो जाएंगे, सब राइट हो जाएंगे अगर कुछ वाली कंडीशन कहीं पे भी हो गई। बट अगर यहाँ पे दे दिया जाए कि सभी के सभी स्क्रू चाबियाँ हैं, सभी के सभी स्क्रू यानी कि बाहर वाला डायग्राम अंदर वाला कवर कर रहा हो आपकी स्टेटमेंट में, तो वो रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि सभी के सभी स्क्रू चाबियां नहीं हो सकती, सभी के सभी चाबियां स्क्रू हो सकते हैं, सभी के सभी ताले स्क्रू हो सकते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या क्या बोले गए यहाँ पे निष्कर्ष में।
सभी स्क्रू चाबियां हैं, तो ये देखिए सबसे पहले ही गलत हो गया ना, सभी स्क्रू चाबियां हो सकते हैं, नहीं हो सकते क्योंकि स्क्रू वाला डायग्राम बाहर है। सभी स्क्रू चाबियां कब हो सकते थे, जब ये चाबी वाला एक डायग्राम बाहर को इसके निकला होता स्क्रू के, ठीक है, तो तब ये कंडीशन सही हो सकती, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बोला गया कुछ है यहाँ पे, कुछ ताले चाबियां हैं, तो कुछ वाली तो मैंने बोला कि सारी कंडीशन सही होगी, तो कुछ ताले चाबियां हो सकते हैं, तो आपका केवल सेकंड वाला ही निष्कर्ष राइट रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केवल निष्कर्ष सेकंड ही निकलता है। ऐसा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सभी टी यू हैं, कोई टी जेड नहीं है। देखिए अब की बार नहीं वाला भी कंडीशन आ गई है, इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सभी टी यू हैं और कोई टी जेड नहीं है, तो हमने क्या किया सबसे पहले, हाँ ये सभी टी यू हैं, ठीक है, तो आपने टी बनाया और उसके ऊपर को यू वाला डायग्राम, ए मतलब कि वेन डायग्राम आपने कवर कर दिया, क्योंकि सभी के सभी टी यू हैं। अब यहाँ पे बोलेगा कोई यू जेड नहीं है, तो आपने एक जेड यहाँ पे बनाया अलग ही। जब भी नहीं वाली कंडीशन होती है तो उनका रिलेशन शो नहीं करते हैं। अगर आप इस वाले इस वेन डायग्राम को इन दोनों के वेन डायग्राम से टच कर देते हैं तो ये रिलेशन शो करने लगेगा कि कुछ ना कुछ रिलेशन है, बट हमें क्या करना है, इनको अलग अलग कर देना है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया नहीं वाली कंडीशन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया निष्कर्ष में। वेन डायग्राम आप इजीली अगर बना लेते हैं ना तो बस निष्कर्ष तो आप जल्दी से जल्दी निकाल लेंगे, बस थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट्स उन पे ध्यान दीजिए। कोई टी जेड नहीं है, अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ, कोई टी जेड नहीं है भाई, टी इसके अंदर है, ठीक है। अब टी जेड का कोई रिलेशन नहीं बताया गया, मैंने एक चीज आपको बता रखी है, अगर किसी चीज के बीच में रिलेशन नहीं है तो हम उसको वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बट यहाँ पे क्या है, टी पूरा का पूरा ही यू के अंदर है और यू का और जेड का रिलेशन खत्म कर रखा है कि कोई रिलेशन इनके बीच में नहीं है, तो भाई टी का भी तो रिलेशन नहीं होगा ना, तो ये स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट वाली राइट हो जाएगी। समझे आप इसका लॉजिक क्या है, भाई टी पूरा का पूरा यू के अंदर है और यू का रिलेशन जेड के साथ में नहीं है। अब यहाँ पे टी और जेड का अगर रिलेशन बोला जाता है वो भी हम नहीं ही मानेंगे, ठीक है, तो आपकी पहले वाली स्टेटमेंट राइट हो जाएगी, ठीक है, कोई टी जेड नहीं है। कुछ टी जेड है तो ये वाली आपकी रॉन्ग हो जाएगी। इसका कारण क्या है भाई, अभी जब हमने एक चीज़ बता दी कि कुछ वाली हो ही नहीं सकती जब टी पूरा का पूरा यू के अंदर है, तो ये वाली आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ये वाला रॉन्ग हो जाएगा और ये वाला राइट हो जाएगा। ऐसा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कुछ पिने की क्लिप है, कुछ पिने क्लिप हैं और सभी क्लिप नुकीले हैं, तो हमने क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाएंगे जिसमें कुछ पिने क्लिप हैं और सभी क्लिप नुकीले हैं। तो कुछ पिने हमने पिन बनाया पिन, कुछ पिने क्लिप है, तो कुछ वाली कंडीशन मैंने आपको बताया जब भी थोड़ा सा कट मारते हैं कुछ वाली बन जाती है। फिर सभी के सभी क्लिप नुकीले हैं, तो क्लिप पे हमने एक डायग्राम बनाया और वो नुकीले बन गया, ठीक है, और ये बाहर वाला डायग्राम नुकीले हो गया और ये क्लिप वाला इसके कम्प्लीटली अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर पहले से पहले एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पे इन तीनों के बीच में कुछ वाली कोई सी भी कंडीशन होगी सारी राइट होगी, कुछ वाली कंडीशन कोई भी बोली जाएगी इन तीनों के बीच में सारी राइट होगी, क्योंकि इनका तीनों का कुछ वाला रिलेशन है। अगर यहाँ पे तीन डायग्राम बन रहे हैं इस तरीके से और वो तीनों कट कर रहे हैं एक दूसरे को, जरा सा भी टच कर रहे हैं, तो वो कुछ वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे सारी की सारी। अब यहाँ पे जो पिन है ये कंप्लीट अगर बोल दिया जाए कि सभी के सभी नुकीले पिन हो जाएंगे वो सेटिस्फाई नहीं होगा, सभी के सभी क्लिप पिन हो जाएंगे वो भी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि पिन बाहर है और इन दोनों का साथ में कोई रिलेशन नहीं है, पिन का कंप्लीट नहीं बोला गया ना। सभी अगर वर्ड यूज नहीं किया गया तो आप सभी को नहीं मानेंगे, कुछ को ही मानेंगे। कुछ नुकीले पिन हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा, कुछ नुकीले पिन हैं आपके, कुछ नुकीले जो आपका नुकीला है ये वाला कुछ नुकीले पिन है, तो मैंने आपको पहले बताया कि कुछ वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी। फिर यहाँ पे बोला गया नेक्स्ट कुछ पिने नुकीली हैं, तो कुछ पिन नुकीले भी हैं ये भी बिल्कुल सही है, कुछ पिने नुकीले भी है ये भी सही है, तो यानी कि आपके दोनों के दोनों ही राइट हो जाएंगे। आपको ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर कहीं पे भी दो डायग्राम हो तीनों या चारों अगर वो एक दूसरे को कट कर गए हैं आपके वेन डायग्राम बनाते टाइम, तो उनके बीच में कुछ वाली जो भी कंडीशन होगी वो सारी सेटिस्फाई रहेगी। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं यूज नहीं किया गया है, नहीं का कोई वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो आपको अगर कहीं पे भी निष्कर्ष में नहीं दिया जाता है
एक दो कंडीशन को छोड़ के, तो वहाँ पे उसको हटा देना है। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। बहुत आसान से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए इसको भी, एस ट्रेन और एस टेबल। तो इसमें आपको एस ट्रेन को क्या लिखा गया है, ट्रेन लिखा गया है, एस टेबल को आपको क्या लिखना है। एनालॉजी एंड सिमिलरिटी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बहुत इजी से पूछे जा रहे हैं, तो एक थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये तो बहुत ही आसान हो गया, बिल्कुल यहाँ पे एस हटा देगा ट्रेन लिख देगा, और यहाँ पे एस हटाएंगे तो टेबल बन जाएगा, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। एनालॉजी सिमिलरिटी में से क्वेश्चन देख के जाइएगा, और आपका वेन डायग्राम यानी कि कथन एवं निष्कर्ष में से आपका जरूर देख के जाइएगा, फिर आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया उसको जरूर देख के जाइएगा, डायरेक्शन से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, फिर आपका हो गया कुछ चैप्टर में आपको डेली एनालिसिस जो कर रहा हूँ उसमें आपको बता रहा हूँ, और कल भी आपका एनालिसिस मिलेगा, तो मतलब जब भी एग्जाम होगा तभी एनालिसिस मिलता रहेगा। आप एनालिसिस लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। ठीक है, जैसा भी एग्जाम आता है पूरा का पूरा आपको समझा देता हूं मैं, बहुत से बच्चों से बात करने के बाद में कि आज का पेपर कैसा रहा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेके आता हूं, उनको भी जरूर देख लिया करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बड़ा एक सिंपल भी है, तो आशा करता हूँ कि आप इसका आंसर जरूर करेंगे। ये आपका एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, मतलब ये इस तरीके से लिखा गया है तो ये किस तरीके से कोड किया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें, यहाँ पे एक गोला था उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको उल्टा करके रख दिया गया है। आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो इसको उल्टा करेंगे कैसा रखा जाएगा, ये ऐसा रखा जाएगा। अगर यहाँ पे आप इसको देखें तो ये तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा, अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये कैसा रखा जाएगा, ये उल्टा करने के बाद में इसका फेस इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो बस चेक कर लीजिए, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये राइट हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल है यार, थोड़ा सा अगर आप देखोगे ना, सोचोगे समझोगे, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग बिल्कुल हलवा आ रही है, बट थोड़ा बहुत जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला आपका है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्शन का भी, ये भी मतलब डायरेक्शन का रोज एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको एक चीज़ करनी है, जैसे मैं अभी एक एक पॉइंट एक एक लाइन पढ़ के आपको बताऊंगा, बिल्कुल वैसे ही करना है। मनीष दक्षिण दिशा की ओर 21 मीटर जाता है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी है, दक्षिण किस डायरेक्शन में भाई, ये है आपको 21 मीटर इस डायरेक्शन में पूछा देना है मनीष को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये पहले बना लिया, 21 मीटर यहाँ से यहाँ तक चला मनीष। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट लाइन में बोला गया है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, पुनः 19 मीटर जाता है। तो आप अगर यहाँ से यहाँ तक आएंगे, अगर आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो आपका दाईं ओर कौन सा होगा भाई, ये होगा ना। ठीक है, यानी कि आपका राइट हैंड कौन सा होगा, ये होगा, और आप 19 मीटर इस डायरेक्शन में चलेंगे। आप अपने आप को खड़ा करिए कि मैं इधर को मुंह करके आ रहा हूँ तो मेरे हाथ किस 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 डायरेक्शन में होंगे। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हमें जब मुड़ने के लिए बोला जाता है क्वेश्चन में तब उस टाइम पर समझ में नहीं आता कि किस डायरेक्शन में मुड़ना है। यार छोटी सी बात ये समझो कि आपने यहाँ से खड़ा होकर चला और आपका मुँह इस डायरेक्शन में है तो आपका राइट हैंड कौन सा होगा, ये होगा ना। ठीक है, यानी कि आप जिस तरीके डायरेक्शन में अपना मुंह करके बैठे हो उससे अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पे ये 19 मीटर चलता है। फिर नेक्स्ट लाइन में बोला गया है दोबारा से कि वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 11 मीटर जाता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, वो बाईं ओर मुड़ेगा तो यहाँ से अब की बार फिर उसका बाईं ओर ये हो जाएगा, यानी कि 11 मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है, वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 19 मीटर जाता है, फिर दोबारा से वो बाईं ओर मुड़ेगा तो कौन सा हो जाएगा इसका बाईं ओर, ये वाला हो जाएगा, और यहाँ पे 19 मीटर जाता है। अब नेक्स्ट क्या पूछा गया, और देखिए हाँ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे 19 मीटर ये है तो यहाँ पे आप इसको यहीं पे रखना है ना, तो इसको बीच में रोक देना ना इससे आगे निकालना है। ऊपर वाली लाइन को देखिए, ठीक है, इस 11 को आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, खींच के नीचे तक ले जाते हैं जितना आपकी मन करता, क्योंकि यहाँ पे रहता तो ये 11 ही है। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना था कि 11 मीटर का ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोला गया है, बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान से अगर हम चेक करें, यहाँ पे देखिए मैंने वैसे डायग्राम पूरा बना रखा था, यहाँ पे देखिए ये अगर यहाँ पे चेक करें तो ये 21 तो ये हो गया और 11 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा, 11 और 21 32 मीटर हो जाएगा वो, मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक 32 मीटर की दूरी पर है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और बहुत सारे टाइप के मैं क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ डायरेक्शन के। एक तो बात ये है ना कि आप चैप्टर ही नहीं देखते हो, मैंने पूरी पूरी वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर आप उनको देख लेंगे तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको क्लोक वाला चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है कि क्लोक पढ़ा दो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक तो कर लो,
वहाँ पे सारी वीडियो मिल जाएगी आपको, सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, रीजनिंग की वीडियो सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एक बार चेक तो कर लो एक मिनट के लिए, सारी की सारी वीडियो मैं दोबारा दोबारा से कितनी बार अपलोड करूँ, दो दो बार अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो एक बार चेक जरूर कर लें। और सॉरी, घड़ी वाला आपका जो चैप्टर है, क्लॉक वाला, उसका लिंक मैं सबसे ऊपर दे दूंगा, उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।